बेहद अफसोस के साथ मैं आपको इस बात से बाखबर करता हूँ कि साल गुज़िश्ता की तरह इन साल भी ईदुल अज़हा की जमात ईदगाहों में दरगाह शरीफ में अदा नहीं की जाएगी। International brands and smart watches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer, and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Muhtaram samiin, nazireen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बेहद अफसोस के साथ रंजो गम के साथ मैं आपको इस बात से बाखबर करता हूं और इत्तला देता हूं कि साल गुज़िश्ता की तरह इन साल भी ईदुल अज़हा की जमात ईदगाहों में दरगाह शरीफ में अदा नहीं की जाएगी, क्योंकि हुकूमत राजस्थान की जानिब से हाल ही में जो गाइडलाइन आई है उसमें ईदुल अज़हा की नमाज के लिए पाबंदी आयद की गई है। हमारा मज़हब भी हुकूमत से वफादारी का हुक्म देता है। जिस तरह हमने आज तक हुकूमत की गाइडलाइन का पालन किया है, इसी तरह इस गाइडलाइन का भी पालन हमें करना चाहिए। ये पाबंदी हमारे ही लिए नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के त्योहारों पर लगाई गई है। लिहाजा मैं आप हजरात से, मुसलमानों ने अजमेर से, उम्मत मुस्लिमा से ये गुज़ारिश करता हूँ कि आप ईदगाहों में दरगाह शरीफ में न जाएं और अमन व अमान को बरकरार रखते हुए अपने अपने घरों में रहकर चाश्त की नमाज का अहतमाम करें। चाश्त की नमाज 2 रकात से 12 रकात तक आप पढ़ सकते हैं और यही आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब आप ईदगाह से घर तशरीफ़ लाते तो चाश्त की नमाज़ अदा किया करते थे। हदीस पाक में इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है, इसका ज़िक्र मैं अपने पिछले बयान में कर चुका हूँ। और क़ुरबानी के ताल्लुक से आप हजरात जो क़ुरबानी करते हैं क़ुरबानी का फरीज़ा अंजाम दीजिए, लेकिन साफ़ सफ़ाई का ख़्याल रखें। और अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को जल्द से जल्द दफ़ा फरमाए। और ये दिन जो हमने देखे हैं, जो हालात हमारे सामने से गुज़रे हैं, अल्लाह ताला इन हालात से, इस वबा से हमारी नस्लों को महफूज रखे। तकबीर तशरीक़ के ताल्लुक़ से इन अय्याम के अंदर आप हजरात तकबीर तशरीक़ का अहतमाम करें। तकबीर तशरीक़ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसको पढ़ते रहें। मैं आप हजरात से इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद पर कि आप हजरात मेरे इस बयान को सुनकर इस पर अमल करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।